नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इजी, बहुत इजी टॉपिक है। नाउ उसके लिए पहले देखते हैं, यू नो दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ नंबर लाइन, राइट? इसे नंबर लाइन कहते हैं, राइट? जीरो पॉजिटिव 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी एंड नेगेटिव -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। नाउ ये जो नंबर लाइन है जो आपने पढ़ा है पहले, दैट इज अ पार्ट, एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस। बड़ा फिगर ये है, इसका पार्ट ये छोटी सी नंबर लाइन है। दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्चुअली में इतना बड़ा होता है, इसका छोटा पार्ट इज योर नंबर लाइन, ठीक है? एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है? अब ये जो दोनों लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती है जीरो पे, राइट? यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो है। नाउ दिस टू लाइंस डिवाइड द एंटायर फिगर इन फोर क्वाड्रेंट्स, राइट? फोर पार्ट्स, जिसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपका जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट का टॉपिक है, इसमें यू आर ओनली कंसर्न्ड विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी कि आपके सिलेबस में सिर्फ ये पार्ट होगा, ओनली दिस, जस्ट लाइक अ ग्राफ, जीरो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहाँ पे 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, ओनली दिस इज इन योर सिलेबस। ओके, बाकी का नेगेटिव एक्सिस आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यहाँ पे वी विल प्लॉट योर पॉइंट्स। अब यहाँ पे नोट कीजिए, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, और यहाँ पे सेम, आई हैव डिवाइडेड द होल पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस इन इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट के बीच का डिस्टेंस है 1। सो यू कैन डिवाइड दिस एज, राइट, 1 सेंटीमीटर, बट मैंने पहले कहा है, वी डू नॉट कॉल इट एज 1 सेंटीमीटर, वी कॉल इट एज 1 यूनिट। सो तो इसका मतलब क्या है, वी डिवाइड बोथ पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस इन इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने भी हो, वी डिवाइड इट इन यूनिट्स वेयर ईच यूनिट इज इक्वल टू द अदर यूनिट, ठीक है? ये आपका सिलेबस है। नाउ लेट अस सी इस एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स यूज करके पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये आपकी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एंड वाई, बोथ ऑफ देम इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ या फिर जीरो एज वी कॉल इट, ठीक है? लेट अस सी। तो यहां पे इफ आई पुट दिस पॉइंट ए, समझो ये ए मैंने पॉइंट यहां पे प्लॉट किया, राइट? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, समझो ए के कोऑर्डिनेट्स है। अब कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ए और बी, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए जो है वो ओरिजिन, ओरिजिन को यू कैन राइट 0, 0 ऑल्सो, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे भी 0, सो ओरिजिन इज 0, 0, ठीक है? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए जो है वो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली स्मॉल ए डिस्टेंस पे है एंड वर्टिकली बी डिस्टेंस पे है। नाउ लेट अस सी दैट हाउ। अब यहाँ ए से मैं वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाऊंगा एंड हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बनाऊंगा। ओरिजिन से ए का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली है स्मॉल ए, वर्टिकली है स्मॉल बी, सो इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, यानी ए इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड बी इज योर वाई कोऑर्डिनेट। ये कैसे आएगा, ए से मैंने डॉटेड लाइन निकाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे मीट करेगी वो डिस्टेंस इज योर स्मॉल ए एंड दिस डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस इज स्मॉल बी। देखा जे, लाइक आई सेड, पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस, पॉइंट ए इज ओरिजिन 0, 0 से कितना दूर है, हॉरिजॉन्टली स्मॉल है, वर्टिकली स्मॉल बी, यानी ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल स्मॉल ए जाओगे, वहां से वर्टिकल स्मॉल बी जाओगे, तो आपको पॉइंट ए मिलेगा, दैट इज योर कोऑर्डिनेट्स। ए कॉमा बी का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज योर स्मॉल ए, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज योर वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ लेट अस सी,
फॉर एग्जाम्पल मैंने ये और एक y और x है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन 0,0, लेट अस से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5, ओके. अब आपको समझो बता है कि प्लॉट दिस पॉइंट ए 2,3, बी 3,2. नाउ 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2, डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, लेट अस सी हाउ टू प्लॉट देम. ए 2,3 यानी ए जो पॉइंट है वो इस यहां पे आएगा कहीं तो, सच दैट उसका ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 2, वर्टिकल डिस्टेंस होगा 3. तो व्हाट यू विल डू, ओरिजिन पे रखिए, ओरिजिन पे ऐसा अज्यूम कीजिए कि ओरिजिन पे आप खड़े हैं, हॉरिजॉन्टली 2, वर्टिकली 3. सो ओरिजिन से आप 2 तक जाओगे हॉरिजॉन्टली, यहां पे रुके और यहां से वर्टिकली जाओगे 3, तो 1, 2, 3 3 तक आ गए. ओके, सो दिस इज योर पॉइंट ए 2,3, यानी कि ओरिजिन से 2,3 है, तो पहले हॉरिजॉन्टली 2 गए और फिर वर्टिकली 3 गए, आपको आपका पॉइंट मिल जाएगा. सेम बी प्लॉट करना है 3, 2. अब यहां पे हॉरिजॉन्टली आप 3 जाओगे, 1, 2, 3 3 तक गए, ओके, और 3 से वर्टिकली 2, तो 1, 2 तक गए. सो ये आपका पॉइंट बी है 2,3. ओके, तो अगर आपको पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट प्लॉट करना हो, यू हैव टू प्लॉट अ पॉइंट ए, राइट, समझो ए 2,3 है जैसे, तो 2 इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 3 सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट. तो क्या करोगे, ओरिजिन पे खड़े रहोगे, वहां से 2 हॉरिजॉन्टली गए और वहां से 3 वर्टिकली गए, राइट. सिमिलरली बी 3,2 के लिए 3 हॉरिजॉन्टली और वहां से 2 वर्टिकली, यू विल गेट योर पॉइंट. एंड इफ यू हैव टू फाइंड कि एक पॉइंट दिया है वो एक्सिस पे उसके x और y कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो व्हाट यू विल डू, समझो अगेन दिस एक्सिस, ये x है y है, राइट. तो वी हैव बीन गिवन दिस पॉइंट a, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो सिंपल यहाँ पे क्या करोगे आप, a से डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉटेड वर्टिकल लाइन, चेक कीजिए ये डॉटेड दो लाइंस दोनों एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे. वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो डिस्टेंस देखेंगे, समझो इट इज 3 फॉर एग्जाम्पल, और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज योर डिस्टेंस 5, समझो. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3,5. तो कोऑर्डिनेट आर नथिंग बट ओरिजिन से उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी फॉर्म में होंगे, वेयर ए यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज योर वर्टिकल डिस्टेंस. अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि प्लॉट कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट के, ए 2,3 है तो फर्स्ट लीजिए 2, ओरिजिन से 2 हॉरिजॉन्टल गए वहां पे रुक गए, फिर 3 है वर्टिकल तो 2 से 3 ऊपर वर्टिकल, ओके, मिल गया हमें, दैट इज योर पॉइंट. सेम बी 3,2, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल 3 गए वहां पे रुक गए, वहां से वर्टिकल 2 गए रुक गए, दैट गिव्स योर पॉइंट बी. और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आई टोल्ड यू, उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डॉटेड लाइंस चेक कीजिए एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, दिस इज योर वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट. अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमें क्या पूछे, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, एक्स वाई एक्सिस दिया है, डिविजन्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. वॉट वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है ए बी सी डी ई एफ एंड जी, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, लेट अस सी. पहले ए देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए वॉट वी डू, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाएंगे, राइट. सो यहाँ पे ए से एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, ओके, एंड ए से ये वर्टिकल डॉटेड लाइन, ओके. वर्ट ए से कोऑर्डिनेट मतलब क्या, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, ओके. ए के कोऑर्डिनेट्स बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है, ओके. तो यहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस, राइट, हॉरिजॉन्टल वन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द ओरिजिन दिस वन. सो ये कहां पे आ रहा है, 4 पे, सो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 4. नेक्स्ट है वर्टिकल, वर्टिकल डिस्टेंस मानी यानी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है 5, सो ए के कोऑर्डिनेट्स इज 4,5.
बी देखते हैं, बी यहां पे ओके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके कुछ फायदा नहीं क्योंकि बी ऑलरेडी लाइज ऑन द वाई एक्सिस, तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ओके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है एक्सिस से ओरिजिन से बी का, जीरो क्योंकि बी लाइज ऑन द वाई एक्सिस ना, तो ओरिजिन से उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो है, सो एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा वर्टिकल डिस्टेंस, ओरिजिन से बी का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है दिस मच, इतना है राइट वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज योर वर्टिकल डिस्टेंस, कितना है फाइव, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट इज जीरो कॉमा फाइव, सो बी का कोऑर्डिनेट इज जीरो कॉमा फाइव। सी देखते हैं, सी के लिए भी सेम डॉटेड लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, कब तक, जब तक वो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, ये एक और ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एक्स कोऑर्डिनेट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ओरिजिन से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है थ्री, सो एक्स कोऑर्डिनेट थ्री, वाई कोऑर्डिनेट के लिए वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज योर वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन राइट, ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है थ्री, सो थ्री कॉमा थ्री इज योर कोऑर्डिनेट फॉर सी। डी देखते हैं, डी के लिए सेम हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड वर्टिकल लाइन डॉटेड, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है दिस वन यानी वन, एंड वर्टिकल डिस्टेंस है इतना, इतना वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज टू, तो वन कॉमा टू। ई के लिए क्या है डॉटेड लाइन दोनों साइड पे, ओके ई का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना है फ्रॉम ओरिजिन दिस मच राइट, कितना है टू, एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज दिस मच, ये छोटा यहां से यहां तक कितना है वन, सो टू कॉमा वन। एफ क्या है, अब नोट कीजिए एफ के लिए वर्टिकल डिस्टेंस नहीं आएगा क्योंकि एफ ऑलरेडी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो बाय डिफॉल्ट एक्स का वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस जीरो है ओरिजिन से, वर्टिकली वो ओरिजिन के लाइन में आ रहा है ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डॉटेड लाइन इज अलोंग योर एक्स एक्सिस, ओके तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव और सिक्स के एग्जैक्टली बीच में यानी 5.5, तो यहां पे योर कोऑर्डिनेट्स आर 5.5 एंड 0। लास्ट वन क्या है जी, जी देखिए जी यहां पे दिस इज योर जी, अगेन जी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो बाय डिफॉल्ट उसका वर्टिकल डिस्टेंस विल बी 0, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड डॉटेड लाइन, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जी 2 पे लाई करता है हॉरिजॉन्टली, सो दिस इज योर 2,0, सो ए इज 4,5, बी इज 0,5, सी 3,3, डी 1,2 एंड ई 2,1, एफ 5.5,0 एंड जी 2,0। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन सम पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन वी कैन से वाई कोऑर्डिनेट 0, एंड व्हेन पॉइंट lies on y-axis, its x-coordinate is 0. इसका मतलब क्या है, यहां पे एग्जाम्पल है बी, बी पहले से y-axis पे लाई कर रहा है, सो उसका x-coordinate 0 आएगा, इसलिए 0,5। जी और एफ है दोनों पहले से x-axis पे लाई कर रहे हैं राइट, दे आर ऑन द x-axis ना, तो यहां पे योर y-coordinate इज 0, इसलिए यहां पे 2,0, 5.5,0 ऐसे। So this is how you find the coordinates of a given point. Next question क्या दिया है, you have to find the coordinates of vertices. यहाँ पे x y axis दिया है, यहाँ पे तीन closed figures दिए हैं हमें और हमें उनके vertices के coordinates find करने, तो यहाँ पे O A B C P Q R S K L M, you have to find the coordinates of all these points. Okay? तो यहाँ पे O A B C राइट, नेक्स्ट क्या है P Q R S एंड फाइनली K L M, इतने कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू फाइंड। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं ये जो रेक्टेंगल है O A B C, ठीक है लेट अस सी, O इज ओरिजिन, ओरिजिन लाइज ऑन बोथ x एंड y एक्सिस, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स इज ऑब्वियसली 0,0 राइट, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो v से इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0,
एंड अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो वी से इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो. ओ यानी कि ओरिजिन लाइज ऑन बोथ एक्सिस, दैट इज द ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इज ऑलवेज 0, 0. तो दिस इज 0, 0. ओके नाउ ए, ए लाइज ऑन योर एक्स है ये वाई, ए लाइज ऑन योर एक्स एक्सिस यानी कि ए का वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो. तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का जीरो है, राइट. एक्स कोऑर्डिनेट वी हैव टू फाइंड, ये डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम योर ओरिजिन ये कितना है 2, सो ये दिस इज 2, 0. बी के लिए देखते हैं, बी का वर्टिकल डिस्टेंस इज ए बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज सी बी, राइट. तो वर्टिकल डिस्टेंस ए बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सी बी, एक्स कोऑर्डिनेट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज सी बी, सी बी कितना है 2, वर्टिकल डिस्टेंस है ए बी, ए बी कितना है 3, सो 2, 3. सी लाइज ऑन वाई एक्सिस, सो एक्स कोऑर्डिनेट 0, 0, एंड वर्टिकल डिस्टेंस क्या आएगा ओ सी इतना, सो 0 to 1, 2, 3, तो 0, 3. ओके नाउ पी देखते हैं, पी निकालने के लिए पी से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या पता चलता है, पी का जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस पता चलेगा और वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये इतना है, राइट, दिस मच डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 पे, दिस इज योर डिस्टेंस. सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आएगा 0 to 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट इज 4, एक्स कोऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से आएगा, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, इसे देखेंगे तो ये आएगा 0 to 1, 2, 3, सो 4, 3. क्यू के लिए भी सेम करेंगे, डॉटेड लाइन एंड यहाँ पे ये डॉटेड लाइन, ओके. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना है क्यू का, राइट, ओ से ये क्यू तक, तो 0 to 6, तो इसका कोऑर्डिनेट इज 6. वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये इतना, ओनली दिस मच, कितना है 1, तो 6, 1. सेम यू कैन डू फॉर आर एंड एस. आर के लिए डॉटेड डॉटेड, तो आर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 6 एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज दिस मच, कितना है 5, तो 6, 5. सेम फॉर एस, एस का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक, दैट इज 7 एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है दिस मच, दैट इज 4, सो दिस वुड बी 4, 7. पी क्यू आर एस भी आ गया. फाइनली के एल एम, के से डॉटेड लाइन नीचे, 10 पे इंटरसेक्ट करेगा एंड के से हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, इट इंटरसेक्ट्स ऑन 5. सो के का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां पे चेक कीजिए इज 10 एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज 5. एल देखते हैं, एल के लिए ऐसे डॉटेड लाइन और यहां से ऐसे डॉटेड लाइन, राइट. एक्स कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आएगा एल से 7 तक इतना, ये कितना है 0 to 7, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 7. वर्टिकल डिस्टेंस क्या है एल से 7 तक, ये कितना है, दिस इज अगेन 7, तो 7, 7 इज कोऑर्डिनेट फॉर एल. नाउ एम के लिए ये है आपकी वर्टिकल डॉटेड लाइन और हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन कुछ ऐसे आएगी, ओके, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है एम से 8 तक, 8 टू एम डिस्टेंस कितना है, नीचे लेंगे तो क्या है 0 to 10, सो 10. वर्टिकल डिस्टेंस क्या है एम से 10 तक, यानी कितना है दिस डिस्टेंस 8, तो 10, 8. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये सारे कोऑर्डिनेट्स है ऑफ ऑल द वर्टाइसेस. बेसिकली सिंपल चीज यही है यहाँ पे, इफ यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ए, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, राइट, दिस दिस, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट, x, y. That's it, funda yahi hai. You can find coordinates of any points given anywhere on this, this first quadrant of your axis. Next, let us look at some true or false questions, theek hai? First, kya hai? A point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero lies on y axis. Now we know if a point lies on y axis, uska x coordinate 0 hota hai and y coordinate non-zero hoga. Right, so this is true.
सही है ना, y एक्सिस पे एक पॉइंट लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन y एक्सिस। नाउ वी नो अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है y कोऑर्डिनेट, तो इट लाइज ऑन x एक्सिस ना, नॉट y एक्सिस, सो दिस इज फॉल्स। एंड फाइनली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0, 0, दिस इज ट्रू। Why the coordinates of origin are 0, 0? Because the origin lies on both x-axis and y-axis. X-axis पे lie करते हैं, इसलिए उसका y coordinate 0, और y-axis पे भी lie करता है, तो उसका x coordinate भी 0. That is why origin का coordinates है 0, 0. Next sum क्या है? Plot the points and check if they lie on a straight line. जो points दिए हैं, वो हमें plot करने हैं और check करना है कि वो straight line में lie करते हैं कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0,2, 0,5, 0,6, 0,3.5। नोट कीजिए सारे पॉइंट्स है ना, ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, यानी कि ऑल दोस पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस पे होंगे। ओके, लेट अस प्लॉट। 0,2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है तो सारे वाई एक्सिस पे, 2 है तो ये यहाँ पे आएगा ना, वर्टिकल डिस्टेंस इज 2 तो 0,2। 0,5 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 तो y एक्सिस पे, 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5, सो 0,5। नेक्स्ट है 0,6, सेम y एक्सिस पे, 6 तो 0,6। एंड फाइनली 0,3.5 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 तो y एक्सिस पे, 3.5 यानी 3 एंड 4 के एग्जैक्टली बीच में, तो इट वुड बी समवेयर हियर, 0,3.5। नाउ ड्रॉ अ लाइन थ्रू ऑल दीज पॉइंट, स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ स्केल। व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, all these points lie on a straight line, so these points lie on a straight line, this is your final answer। ye sentence form apne likhiye, point 0,2 0,5 0,6 and 0,3.5 lie on a straight vertical line। next sum mein dekhte hain, a b c d char point hai, okay, a plot karte hain। a kya hai, 1,1 एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, मैंने क्या कहा, जीरो ओरिजिन पे खड़े रहिए, पहले एक्स कोऑर्डिनेट जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वहां से वाई कोऑर्डिनेट जितना वर्टिकल डिस्टेंस, तो यहां से 1,1 है, यहां से मैं 1 आ गया हॉरिजॉन्टली, यहां से 1 आया वर्टिकली, तो ये आपका पॉइंट ए है। बी है 1,2, बी के लिए भी सेम, ओरिजिन से 1 हॉरिजॉन्टली, फिर यहां से 2 वर्टिकली, तो यहां पे आएगा, ओके, दिस वुड बी योर बी। सी के लिए 1,3, 1 हॉरिजॉन्टली और 3 वर्टिकली, तो सी यहाँ पे आएगा। डी के लिए 1 हॉरिजॉन्टली अगेन एंड 4 वर्टिकली, तो ऐसे 4 ऊपर वर्टिकली, तो यहाँ पे आएगा डी। यू जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल ए बी सी डी ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। सो अगेन पॉइंट्स ए 1,1, बी 1,2, सी 1,3 एंड डी 1,4 लाई ऑन अ लाइन, दिस इज योर आंसर। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। पॉइंट्स ए बी सी डी, मतलब ए 1,1, बी 1,2, सी 1,3 एंड डी 1,4 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट दिस पॉइंट्स वी हैव टू प्लॉट, के एल एम एन, ओके, के एल एम एन, के क्या है, 1,3, तो हॉरिजॉन्टली 1, राइट, एंड वर्टिकली यहां से 3, राइट, ये आपका आएगा पॉइंट के। एल क्या है, 2,3, तो हॉरिजॉन्टली 2 एंड अगेन वर्टिकली 3, सो ये आपका आएगा एल। एम क्या है, 3,3, तो हॉरिजॉन्टली 3 तक एंड वर्टिकली अगेन 3। एम क्या है, 4,3, तो हॉरिजॉन्टली 0 से ऐसे 4 तक और 4 से अगेन वर्टिकल टिल 3, ओके एन। नाउ इफ यू जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स, यू विल अंडरस्टैंड ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो योर आंसर इज पॉइंट्स के एल एम एन लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में W X Y Z, W क्या है, 2,6, सो हॉरिजॉन्टली 2, वर्टिकली यू हैव टू गो अप टिल 6, तो ये यहाँ पे आएगा, ओके
सिक्स तक गए, ये आपका W, x क्या है 3.5, सो हॉरिजॉन्टली 3 तक, और 3 से वर्टिकली 5 तक जाना है, सो ओके W x, y क्या है 5.3, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे 5 तक आए और वर्टिकली ऊपर जाएंगे 3 तक, तो इट वुड बी समवेयर लाइक दिस। ओके तो ये y, z क्या है 6.2, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे 6 तक जाएंगे और यहां से वर्टिकली 2 तक, सो इट वुड बी समवेयर अराउंड हियर z। नाउ अगेन इफ यू ड्रॉ दिस ग्राफ प्रॉपरली बाय यूजिंग योर स्केल ना, एंड इफ यू जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स वुड लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे ही आएंगे। यू कैन ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग योर प्रॉपर स्केल, हर डिवीजन 1 सेंटीमीटर का, प्रॉपर स्केल से आप ड्रॉ कर सकते हो और चेक करेंगे तो आपको यही पता चलेगा ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू बिफोर कि व्हेन यू जॉइन ऑल द पॉइंट्स और आपको एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, यू कॉल दैट अनदर थिंग, यू इवन कॉल दैट एज लीनियर ग्राफ, सही है ना। सो स्ट्रेट लाइन पे तो लाइक करेंगे, बट वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज अ लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का मतलब क्या है, जितने भी आपको पॉइंट्स मिले ठीक है लाइन ग्राफ में, सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे आपको एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स आएंगे, यानी आफ्टर जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स द लाइन यू विल गेट विल बी अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, देन दैट ग्राफ इज नोन एज अ लीनियर ग्राफ। नेक्स्ट सम में यू हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट्स के एल एम एन, लेट अस प्लॉट। k क्या है 2.3, तो यहां से हॉरिजॉन्टल 2 और यहां से वर्टिकल 3 राइट, ये आपका आएगा k। l क्या है 5.3, तो यहां से हॉरिजॉन्टली अप टिल 5 और 5 से वर्टिकल 3 ठीक है l। m क्या है 5.5, तो 5 तक आए और यहां से ऊपर 5 राइट m, और n क्या है 2.5, तो यहां से 2 और यहां से ऊपर 5 तक n। नाउ इफ यू जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स k l l m m n n n k, इस स्ट्रेट लाइन आ रही है, नहीं दिस इज समवॉट अ रेक्टेंगल, सो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो द पॉइंट्स k l m n डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट सम में क्या है पी क्यू आर एस, लेट अस प्लॉट। पी है 1.1, तो हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल 1, ये आपको आया पी। क्यू है 2.2, तो हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल 2 ठीक है क्यू। आर है 3.3, तो हॉरिजॉन्टल 3 एंड वर्टिकल 3 ठीक है मिल गया आर। और एस है 4.4, तो हॉरिजॉन्टल 4 तक वर्टिकल ये आपके 4 तक, तो S। नाउ इफ यू जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स पी क्यू आर एस, व्हाट यू विल कम टू नो कि ऑल दिस पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब मेरे जो पॉइंट्स ज्वाइन करें मैंने किया है दोज माइट नॉट बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बट जब आप प्रॉपर स्केल से बनाओगे ना, मतलब ईच डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर और प्रॉपर प्लॉटिंग करोगे स्केल और पेंसिल इस्तेमाल करके, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस पॉइंट्स पी क्यू आर एस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, विच वी कैन ऑल्सो से दैट द फाइनल ग्राफ ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस इज अ लीनियर। नेक्स्ट सम में क्या पूछा गया है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू 2.3, ये एक पॉइंट है एंड 3.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स एक्स एंड वाई एक्सिस। यू हैव टू प्लॉट दीज टू पॉइंट्स 2.3 एंड 3.2, दोनों को जॉइंट करने वाली एक लाइन बनाएंगे और उस लाइन को दैट लाइन कुछ ऐसे आएगी लाइन आपकी, उस लाइन को ना दोनों साइड एक्सटेंड करेंगे और चेक करेंगे कि वो लाइन है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। लेट अस प्लॉट, फर्स्ट है 2.3, हॉरिजॉन्टली 2 जाएंगे राइट एंड वर्टिकली 3, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, लेट अस से इट एज ए राइट ए 2.3 एंड नेक्स्ट है आपका बी 3.2,
तो लेट अस से ये 3 तक आप गए, 3 तक ओके, और यहाँ से 2, 3.2, ये आपका बी फॉर एग्जाम्पल 3.2 ओके. नाउ लेट अस जॉइन दिस विद अ सिंगल लाइन एंड सी व्हाट हैपेंस. तो यहाँ पे मैंने ए 2.3 एंड बी 3.2 को जॉइन किया और उस लाइन को दोनों साइड पे एक्सटेंड किया, मुझे ऐसी लाइन मिली. We have to find the coordinates of points at which this line meets x and y axis. Note कीजिए ये लाइन y axis को यहाँ पे मीट कर रही है this point से y, और x axis को यहाँ पे मीट कर रही है this point से x. So we have to find the coordinates of x and y. So line joining 2.3 and 3.2 meets x-axis and y-axis. Okay, x-axis at point x and y-axis at point y. Point x and y-axis at point y. Now just we have to find the coordinates of x and y. Note कीजिए जो point y है, it lies on y-axis, यानी उसका x-coordinate 0 है. So 0. और x कोऑर्डिनेट क्या और y कोऑर्डिनेट क्या है 0 1 2 3 4 एंड 5 तो 0.5 राइट. एंड x पॉइंट है उसका इट लाइज ऑन x एक्सिस सो उसका y कोऑर्डिनेट इज 0 सो दिस विल बी 0 एंड x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 तो 5.0 दिस इज योर आंसर. लाइन जॉइनिंग 2.3 एंड 3.2 मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट x दैट इज 5.0 and y axis at point y that is 0.5. This is your answer. So this chapter is very easy. If you draw your graph with proper scale and pencil, aapka answer hai wo hamesha accurate aayega. That's it with your chapter introduction to graphs. All the best.